सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत परिगत समझ रहे हो चारों तरफ आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। अगर कहा जाए कि इसका जो फिगर है ड्रा कर लो तो कौन कौन कर सकता है, कोशिश करो। चतुर्भुज एक बन गया ना, अब इस वृत्त का केंद्र भी होगा, तो इस वृत्त का केंद्र है यहाँ पर, इस वृत्त के केंद्र से सभी स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा को मिला दो। इसके बाद यहां से टूटे लाइन से इसको मिला देते हैं। सबका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी और ये डी। यहाँ से फिर करते हैं पी क्यू आर एस और इसको ओ नाम रख देते हैं केंद्र। और जितने भी कोण है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ रख देते हैं, आठों कोण को आठ रख देते हैं। ए बिंदु से हाँ स्पर्श बिंदु है पी एस, तो स्पर्श रेखा कौन सी हो गई, ए एस और पी एस, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, बराबर बराबर नहीं, उसी तरह से ये भी इसके बराबर होगा और ये भी बराबर होगा इसके। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कब से चल रहा है नहीं। तो अब यहां देखते हैं हम कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, मतलब यहां इस ए त्रिभुज ए ओ पी और ए ओ एस में, त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ एस में क्या कुछ उभयनिष्ठ है, ए ओ बराबर ए ओ, ठीक है। अच्छा और कुछ है क्या, ए पी ए एस बराबर, हाँ तो इधर है तो इधर ए पी आ जाएगा, ए पी बराबर ए एस। और कुछ है क्या, तीन को चाहिए ना, सर्वांशम हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो या तो कोण या भुजा कुछ मिलके तीन को चाहिए, तीन बोलो ओपी बराबर कैसे, त्रिज्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओपी बराबर ओएस क्या है, त्रिज्या है, सब में चलो लिख देते हैं त्रिज्या। ये क्या था, स्पर्श रेखा था ना, स्पर्श रेखा, और ये क्या था, उभयनिष्ठ। तो क्या हो गया, इसमें तीनों भुजा ही बराबर हो गया, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, किस नियम से, आरएचएस से ना, सौ में आरएचएस से कोण का कहीं आया है इसमें, तो आरएचएस कहां से हो गया, हमने अभी जो किया, हो सकता है लेकिन हमने अभी जो किया ये किस नियम से, एस एस एस, तीनों भुजा इक्वल कॉरेस्पोंडेंस बराबर है नहीं, तो ये हो गया। जब ये बराबर हो गया तो देखो इसका ये कोण आठ और इसका ये कोण एक, क्या होगा, सिंप्लिसिटी से होगा कि नहीं, इसलिए कोण एक बराबर कोण आठ, किस नियम से, सिंप्लिसिटी नहीं। अब ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, सबके लिए कर देंगे इसी प्रकार, जब प्रोसेस सेम दोहराया जाए तो लिख देते हैं इसी प्रकार, किसी प्रकार, तो इसी प्रकार
इसमें क्या हो गया, एक के बराबर आठ हो गया है। अब बताओ तुम लोग इसमें पी ओ बी और क्यू ओ बी में इसमें किसके किसके बराबर होगा? ठीक, सात बराबर कोण छह। अच्छा इसमें पांच कोण पांच बराबर कोण चार, और एक और बचा है कोण कोण तीन बराबर कोण दो। इतना हो, ये तो क्लियर है, समझ में आ रहा है। सबका इक्वेशन रख देते हैं, एक दो तीन चार। ठीक, अब एक बात है कि ये केंद्र है ओ, और वृत्त के केंद्र पर या किसी भी बिंदु पर चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है? बहुत बढ़िया, तो देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये सभी कोण मिलकर कितना डिग्री हो जाएगा? कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन प्लस कोण चार प्लस कोण प्लस प्लस कोण प्लस कोण बराबर 360। गलती से 180 मत कर दे, ठीक है। इतना हो गया। अब हमारा टारगेट है या तो सात और आठ को टारगेट करें तब इधर चार और तीन टारगेट होगा, या तो इधर एक और दो को टारगेट करें तो छह और सात पांच होगा। मतलब ये दिखना चाहिए, हम इसी को करते हैं, एक दो दिखेगा छह पांच दिखेगा बाकी सात आठ और चार तीन को यहां से विलोपित कर देंगे। तो चलो करते हैं, कोण एक के जगह पर एक, कोण दो को रखना है तो कोण दो ये हो गया। अब कोण तीन को हटाना है तो इसके जगह पर क्या करेंगे? कोण एक दो, एक मिनट, कोण एक कोण आठ को बदलेंगे एक में, और कोण दो को किस में बदलेंगे? तीन को कोण दो में बदल देंगे। तो यहाँ कोण दो लिख सकते हैं, बोलो। अब यहाँ हमें रखना है पांच, तो कोण चार को कोण पांच में बदल सकते हैं, आ प्लस कोण पांच जेव का तेव, आ प्लस कोण छ है, पांच को रखे हैं छह को रखेंगे कोण छ, आ प्लस कोण सात को छ में, ठीक है कोण छ में, आ कोण आठ को एक में, आ बराबर। किसको किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है, चेंज किया गया है, चेंज करने का तरीका है, उल्टा पुल्टा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हमें टारगेट कर लेना है कि एक दो रखना है तब छह पांच, तो हम इसी को कर रहे हैं कि एक दो और छह पांच को हम रखेंगे। चाहे तो केवल एक दो छह पांच पहले लिख सकते हैं उसके जगह पर, और दो को एक दो छह पांच, तो यहाँ एक दो, यहाँ कोण तीन आया तो कोण तीन यहाँ से क्या है, कोण दो के बराबर है ना, तो इसको भी हमने दो कर दिया। इसी तरह से जिसकी जरूर आवश्यकता नहीं है, कोण चार की आवश्यकता हमें नहीं है, पांच चाहिए तो चार और पांच यहाँ देखो बराबर है, तो हो गया कि नहीं। चार के जगह पर पांच कर लेंगे, पांच ज्यों का त्यों, छह के जगह पर छह कर लेंगे, सात के जगह पर भी छह कर लेंगे, सात के जगह पर छह, सात और छह यहां से बराबर है। ये समझ में आ रहा है सबके? ठीक है, अब देखते हैं क्या आया निकल। दो कोण एक है तो दो ब्रैकेट में हम कर लेते हैं, कोण एक प्लस कोण दो, दो भी कोण दो है कि नहीं, आ प्लस कोण पांच, आ प्लस कोण छ, ये पांच भी दूगो है छ भी दूगो है, सब दूगो है, तो दो पहले ही हमने निकाल लिया इतना, और बराबर बराबर 360। अब दो को हम करते हैं इधर गुना में है ना, दो तो इधर आएगा तो पटा में हो जाएगा, तो कोण एक आ प्लस कोण दो, इसको हम अलग ऐसे कर लेते हैं, आ प्लस कोण पांच प्लस कोण छ, ये ऐसे कर लेते हैं बराबर 360 बटा दो। ये कट के कितना हो जाएगा? 180। तो अगले स्टेप में कोण एक और कोण दो को क्या लिख सकते हैं? एक दो को ए ओ डी लिख सकते हैं, ए ओ डी, देखो ए ओ डी, यहां से इसमें यहां दो कोण नहीं है, एक और दो, समझ में आ रहा है, तो इसको दोनों को मिलकर क्या लिख देंगे? कोण ए ओ डी आ प्लस इसको क्या लिख देंगे? पांच छ को बी ओ सी, हाँ यहां से है पांच छ, तो कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी आ बराबर ये हो गया।
अब इसी प्रकार जब इसी प्रकार कर रहे हैं तो ये इसके बराबर हो गया, तो एओबी प्लस कोण सीओडी बराबर 180 डिग्री, ये दोनों दिखाना है। तो ये एक हमने दिखा दिया, इसका इसके भी होगा इसी प्रकार, तो ये हम लोग का आंसर होगा।